हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 32 साइंस की। मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स ऑफ द सम मेटल्स आर द आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। क्या कहता है, जो मेटल और नॉन मेटल्स है वो उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर उसे क्लासीफाई किया हुआ है। इसे मेटल के एग्जाम्पल दे रखे हैं आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर, और नॉन मेटल के एग्जाम्पल दे रखे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे दिखाई हुई है कि बैटरी है, बैटरी में क्या कर रखा है टेस्ट करने के लिए, बैटरी में साथ कुछ स्विच के पास क्या लगा रखा है, कुछ मेटल्स को चेक करने के लिए। अगर वहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो मेटल है, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो क्या है, नॉन मेटल है। प्रॉपर्टीज देखिए, कुछ बता रखा है मेटल और नॉन मेटल की। लस्टर, मेटल्स हैव दिस शाइनिंग सर्फेस। मेटल के पास क्या होती है, शाइनिंग सर्फेस होती है। जैसे एग्जाम्पल में गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब की होते हैं सर्फेस जो शाइनिंग होती है। नॉन मेटल, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सर्फेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा बाकी कोई भी नॉन मेटल में शाइनिंग सर्फेस नहीं होती। हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसे हम नाइफ से काट नहीं सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। कार्बन का जो एलोट्रॉप है डायमंड, वो क्या होता है, हार्ड होता है। स्टेट, एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मर्करी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। एक्सिट एज सॉलिड और गैसेस, एक्सेप्ट ब्रोमाइन, ब्रोमाइन जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड और गैस फॉर्म में होते हैं। मैलेबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इंटू थिन शीट, यानी जो मेटल्स है उन्हें हम बीट करके हम उसे क्या कहते हैं, थिन शीट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। एग्जांपल में एल्युमिनियम, जैसे घरों पे छतों पे चादर लगती है ना एल्युमिनियम की, तो वो क्या है, उसी का एग्जांपल है कि उसमें क्या, एल्युमिनियम को पीट पीट के क्या कर रखा है, एक पतली शीट में कन्वर्ट कर रखा है जिसे छत पे डाल रखा है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स जो होते हैं उन्हें मैलिएबल, यानी उन्हें हम पीट नहीं सकते। ओके, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल में कॉपर की वायर्स होती है, एल्युमिनियम की वायर्स होती है, जो वायर्स में आती है ना वो। नॉन मेटल्स आर दी नॉन डक्टाइल, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से कंडक्टर है। मेटल्स आर दी जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मर्करी। लेड और मर्करी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। बाकी मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड, पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, वो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी, जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं हाई डेंसिटी होती है उनके, और क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है वो उनका एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स जनरली हैव दी लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी क्या होते हैं, लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सर्फेस। जब मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है तो क्या होता है, उसमें से आवाज आती है। जैसे स्कूल में जब बेल बजती है तो क्या होती है, उसमें घंटी बजती है तो आवाज आती है ना बहुत तेज, तो क्या होता है, मेटल के ऊपर मेटल को स्ट्राइक करते हैं उस टाइम पे। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। जैसे एग्जांपल में वुड है, वुड के ऊपर अगर हम मारेंगे धीरे धीरे तो क्या होएगा, उस पर कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन जब मेटल करता है तो क्या होता है, मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन वो क्या का बनाता है, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल में टू कॉपर प्लस ऑक्सीजन जो कि क्या का बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। फोर एल्युमिनियम प्लस 3O2 क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। हर मेटल जो कहता है क्या करते हैं, ऑक्सीजन के टुवर्ड डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ दे आर कैप्ट इन द ओपन, सो दे आर कैप्ट इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो आग पकड़ लेते जब हम उसे खुली हवा में रखते हैं, तो इसलिए उसे हमेशा केरोसिन ऑयल में अंदर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड पीबी यानी लेड रिएक्ट स्लोली विद द वाटर एयर। ये क्या करते हैं, एयर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की बहुत ही थिन सी लेयर चढ़ जाती है। फेरस डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली।
जो फेरस है आयरन है वो क्या करता है, वो हीट नहीं होता जल्दी, मतलब कि गर्म करने पे वो जलता नहीं है, लेकिन जब आयरन फिलिंग्स है यानी कि पतले पतले आयरन के टुकड़े होते हैं, जब हम उसे जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही स्पीड में जल जाते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कॉटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी क्या होता है, वो जलता नहीं है, बट इसके ऊपर क्या रहती है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आती है। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन क्या है, मेटल प्लस वाटर, वाटर के साथ क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर जब होता है तो क्या बनाता है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल से क्या क्या पर कुछ है, रिएक्टिविटी दिखाई हुई है, रिएक्ट विद स्टीम के साथ, स्टीम के साथ कौन कौन से रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। रिएक्ट विद हॉट वाटर क्या है, मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं वाटर साथ क्या होता है, वो ऊपर क्या फ्लोट होते हैं। नो रिएक्शन विद द H2O, H2O के साथ कौन कौन रिएक्शन नहीं करते, Pb, कॉपर, Au और Ag, यानी कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि कैसे वाटर साथ रिएक्शन करते हैं, 2Na प्लस वाटर क्या बनाते हैं, 2NaOH, H2 प्लस हीट, Mg प्लस 3H2O क्या बनाता है, MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, 2 एलुमिनियम प्लस 3H2O क्या बनाता है, एलुमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, आगे पढ़ते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो कि ये बोथ एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल में जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl के साथ जब रिएक्शन करता है यानी कि एसिड के साथ करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NOH यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये एल्यूमिनियम का कुछ सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा जो मेटल है वो जो लिक्विड होता है, तो उसका आंसर है मरकरी। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख रखा है, देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल और मैलिएबल का मीनिंग बताइए। मैलिएबल क्या होता है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, थिन शीट में हम मेटल को बीट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब होता है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, थिन वायर्स में हम क्या कर सकते हैं, मेटल को ड्रॉन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर अंडर ऑयल। सोडियम पोटेशियम को हम ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर हाईली रिएक्टिव, दे कैश फायर इफ कैप्ट इन ओपन, सो दे आर कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और समय से आप अगर बाहर एयर में रखेंगे तो क्या होता है, फायर को पकड़ लेंगे बहुत जल्दी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल्स। तो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एसिटाइल बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल है इसका क्या, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है, आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आई की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।